Hey, hi, and welcome back all. Our today's poem is The Snake Trying. Yes, as per the title, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, जो स्नेक है वो कोशिश कर रहा है लोगों से बचने के लिए या अपने आप को छुपाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी हम सांप से बहुत ज्यादा ही डरते हैं, लेकिन इन दिस पोएम हमें समझने को मिलेगा कि जो स्नेक होते वो भी हमसे डरते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं. सो इट इज वेरी मच इजी पोएम टू अंडरस्टैंड एंड द वर्ड्स आर वेरी इजी. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ. हियर द फर्स्ट स्टैंजा गोस, द स्नेक ट्राइंग टू स्केप द पर्सुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, ही ग्लाइड्स थ्रू द वॉटर अवे फ्रॉम द स्ट्रॉक. नाउ हियर पोएट हमें कह रहे हैं कि जो स्नेक है वो बचने की कोशिश कर रहा है, टू स्केप मतलब बचने की कोशिश कर रहा है द पर्सुइंग स्टिक विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. तो क्या कर रहा है, उसके पीछे जो स्टिक है फॉलो कर रही है उसे, पर्सुइंग मीन्स फॉलो करना, और वो क्या कर रहा है कि अपनी तेजी से क्या कर रहा है, कर्व बना रहा है बॉडी पर. आपने देखा होगा जब सांप चलते तो उनकी बॉडी पर कर्व बनते हैं, और उसकी जो बॉडी वो क्या है, बहुत ही पतली है और बहुत ही लॉन्ग है. सो ही इज स्केपिंग, एक्चुअली वो क्या कर रहा है, बचने की कोशिश करके जा रहा है. नाउ पोएट आगे कहते हैं, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, और वो जो चलने के दौरान या चलने के समय उसके जो कर्व्स बन रहे हैं, जो शेप्स बन रहे हैं, वो पोएट को बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं वो बता रहे हैं. नाउ He glides through the water away from the stroke. और क्या करते हैं, पानी से निकलकर या पानी से साइड साइड बच के जाते हैं, और किससे बचकर जाते हैं, अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, जो लोग उसे हीट कर रहे हैं उसे बचने के लिए पानी के थ्रू निकलकर जा रहा है. Now poet says, Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Now poet बता रहे हैं कि क्या करो, उसे let him go, उसे जाने दो over the water, पानी पर, into the reeds to hide without hurt. कहां पर, पानी के अंदर जाने दो, और कहां पर, पानी के अंदर जो रीड्स हैं, जो छोटे छोटे पौधे हैं, जहां पर वो क्या करेगा, अपने आप को छुपा लेगा विदाउट हर्ट, और फिर क्या करेगा, वो बच जाएगा चोट खाने से या विदाउट हर्ट वो वहां पर बैठा रहेगा. नाउ ही सेज स्मॉल एंड ग्रीन हिज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, और बता रहे हैं कि जो सांप है क्या है, ग्रीन सांप है, ग्रीन स्नेक है. आपने देखा होगा ग्रीन स्नेक पानी में मिलते हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये क्या है, बच्चों के लिए भी हार्मफुल नहीं है, इवन हमारे लिए भी हार्मफुल नहीं है. ही इज हार्मलेस, क्लियर, और बहुत ही छोटा है. अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे. अब वो क्या है कि पानी के पास या पानी के साथ जाके बैठा हुआ है, जहां पर क्या है, रेत वगैरह है, और वो तब तक बैठा रहता है जब तक उसे कोई देखता नहीं है, फिर उसका कोई पीछा करता नहीं है. एंड नाउ ही इज वैनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और अब क्या है कि वो वहां से चले गया है, वहां से निकल गया है, ठीक है, और कहां पर चले गया है, उन रिपल्स में, ठीक है ना, एक प्रकार से वो वैनिश हो गया, गायब हो गया. कहां पर, रिपल्स में. आपने देखा होगा पानी के ऊपर कुछ छोटी छोटी रिपल्स बनती है, जब आप कुछ उसमें फेंकते करते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल्स वहां पर रेडी होते हैं. सो क्या है, सांप वहां पर निकल गया है रिपल्स में, और कहां चले गया है, अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और वो जो पानी के अंदर जो छोटे छोटे पौधे वगैरह हैं, रीड्स हैं, वहां पर जाकर वो चले गया है. सो आप देखा यहाँ पर जो स्नेक है वो कैसे कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की, ठीक है, छुपाने की. सो दिस पोएम वॉज वेरी ब्यूटीफुल. आई होप ये पोएम आपको काफी अच्छी लगी होगी. इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स काफी अच्छे इजीली समझ में आ जाएंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.